फ्रेंड्स, स्वीट सिस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी 9:16 हो रहे हैं और हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब बस मैं पूजा करने जा रही हूँ और मम्मा पापा चाय पी रहे हैं, तो आपको दिखाती हूँ। और आज के ब्लॉग को भी अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अब हमारी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो रोज़ाना हमारे व्लॉग्स या फिर कुछ और वीडियोज़ चैलेंजेस वगैरह वाली वो डलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नई अपडेट मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह मम्मा नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो चुकी है और यहाँ पे ये रही मम्मी की चाय। मम्मा भी गरम गरम चाय पी रही है। हाँ, बहुत ठंडा। हम लोग तो रजाई में दुब के रहे हैं और आप लोग रजाई के अंदर बैठ के हमारे व्लॉग्स भी देखिए। क्यों, उनको काम नहीं है? अरे रजाई के अंदर बैठ के काम क्या होता है, बैठे ही तो रहते हैं। रजाई के अंदर नहीं बैठे तो बाहर बैठ के छत बैठ के। लोगों ने रील बनाई रात में, आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे व्यूज आए इसमें। बस अब बनाएंगे हम पनीर के पराठे। पनीर के पराठे तुझे नहीं पता? नहीं। मम्मा एंजॉय करेंगे अपने गरम गरम चाय। आज हम नाश्ते में खा रहे हैं ये पनीर के पराठे। और ये पनीर और प्याज के पराठे हैं, हमने माधव जी के लिए सिर्फ प्लेन पनीर के बनाए हैं। वहाँ पे पनीर, ये रहा पनीर कोरा हुआ। गाइस, अभी हम लोग आ रखे हैं छत पे, और जैसा आपको पता ही आजकल हम लोग रोज़ ही छत पे आ रहे हैं। छत पे काफ़ी अच्छी धूप हो रही है और अभी परसों धूप नहीं आई थी तो हम लोग छत पे भी नहीं आए थे, और आज हमारे साथ छत पे आए हैं ये देखो माधु। आज हमारे साथ छत पे माधु भी आए धूप सेकने। नीचे इनको अच्छे से धूप नहीं मिल पाती ना, तो अब ये छत पे आके हमारे साथ धूप सेक रहे हैं। वैसे भी हम तीन ही तो होते हैं और हम माधु भी हमारे साथ धूप सेकेंगे। राधे राधे सबको, मैं काफी दिनों बाद व्लॉग में देखा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं भी आप लोगों के साथ धूप सेकूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। कैसा लग रहा है माधु को धूप में? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है धूप में, अब से मैं रोज आऊंगा धूप में बैठने। तो आपने माधव जी के जवाब सुन ही लिए होंगे क्या क्या बोल रहे हैं। आज भी हमारे कपड़े सूख रहे हैं छत पे। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो जो हम व्लॉग कल कर रहे थे आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:18 और हम लोग अपना नहा धो के रेडी हो चुके हैं। व्लॉग कंटिन्यू हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्लॉग देखिए। और फ्रेंड्स, आज से हमारी छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं 29 से, पर परी और मैंने अपनी छुट्टियां काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट कर ली थी। और आप में से भी काफ़ी लोगों की विंटर्स की छुट्टियां पड़ गई होंगी, तो अब आप लोग घर पे हैं तो हमारे व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी नई अपडेट आती रहेंगी आपको पता चलता रहेगा। और जो हमारे पुराने व्लॉग्स हैं आप वो भी इन्जॉय करिए। अब जिन्होंने जो नए नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो हमारे पुराने व्लॉग ज़रूर इन्जॉय करिए, वो काफ़ी ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं। तो अब से मैं रोज़ हमारे नए व्लॉग के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने व्लॉग का लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और गाइस, मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी थी। जैसे हमारे शॉर्ट्स वीडियो होते हैं तो उसमें हमारे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, पर आप लोग हमारे व्लॉग्स नहीं देखते, तो आप लोग हमारे व्लॉग्स भी देखिए और उसमें भी हमारे व्यूज़ 1K 2K करिए। जैसे हमारे शॉर्ट्स में हमारे सपोर्ट करते हैं, वैसे हमें व्लॉग्स में भी सपोर्ट करिए। ये देखिए गाइस, अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए छत पर गए थे, तो वहाँ पर मैंने ये बुना है, ये मैं प्रैक्टिस कर रही थी बुनने की, मम्मी ने मुझे आज सिखाया है। और यहाँ पर मम्मी भी उसने अपना बुन रही थी। मम्मा बना रही है परी के लिए ग्लव्स। और यहाँ पे देखिए परी खा रही है खाना, मूली की तरी वाली सब्जी और चावल। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मा बना रही है साग। वैसे तो मम्मा को थोड़ा लेट बनाना था, पर नानी आ रही हैं, हमारे घर नहीं आ रही नानी। नानी अभी गाँव गई थी तो नानी वहाँ से सामान लाई हैं, तो अभी हम लोग वो सामान लेने जा रहे हैं। तो मम्मा इसे थोड़ा जल्दी साग बना रही, ताकि नानी भी थोड़ा सा ले जाएँ और नानी भी थोड़ा सा खा लें, क्योंकि नानी को भी साग काफ़ी अच्छा लगता है। गांव के नींबू और माल्टा, हाँ नानी भी लेकर आएंगे। हम नानी को साग देंगे, नानी हमें गांव के नींबू और माल्टा देंगी। ये देखिए अभी हम लोग सामान लेने आ गए हैं। ये रहे नानू, ये रहे मामा, ये रही नानी। हाय कैसे, तुझे कामा आमा लिवाम छे। नमस्कार नानी। नमस्कार बाबू, नमस्कार। ये जो नाना में ये तो
देखिए ये हमारा पूरा बैग जिसमें नानी ने भर के सामान दिया है, बहुत भारी भी हो रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले निकला है ये मिठाई का डब्बा, ये देखो गांव की मिठाई, परी की फेवरेट चॉकलेट। तो ये है देखिए, ये है गांव की पालक राई, पालक राई दोनों है, ये पालक और राई दोनों है रखे यहाँ पे। ये देखो अभी साफ करेंगे इसको बैठ के। गाइस नानी और दे रही थी पर ये बदतमीजों ने लाने नहीं दिया मुझे, क्योंकि हम आज तो हमने वो साफ करा है साग, तो आज मन नहीं कर रहा साफ करने का। और यहाँ पे देखिए गांव की मूली, अच्छा ये नानी खरीद के लाई है गांव की मूली, नहीं पता मुझे। और ये देखते हैं ये क्या अभी खुल रहा है, क्या थोड़ी से। ओ वाओ ये है टेस्टी दिमाग थोड़ा, ये पागल दिमाग। और ये क्या है, गांव की मिट्टी, ये है वो क्या बुलाते हैं इनको, सोयाबीन, ये है सोयाबीन, वो तो बड़ी होती है इसी की तो बनती है। अच्छा तो ये है सोयाबीन, जिससे सोयाबीन की बड़ी बनती जैसे है, जैसे मेरे लिए आया है अजवाइन, मम्मी के लिए अजवाइन आया है, मेरी गैस बनती है ना गाइस, चाची भेजती है। गाइस मैं आपको बता दूं आज तक मैंने कभी भी अजवाइन खरीदा नहीं है, गांव का ही इस्तेमाल करा। और ये आ गया परी का फेवरेट छीमी, छीमी हमारे पेड़ के हैं ये गाइस, ये रे ये रे ये रे, ये सब्जी है क्या, इसके तो हम सारे दीवाने हैं, ये हमारे ही पेड़ के हैं, जो नानी का जो पेड़ है वहाँ के। और यहाँ पे अब ये क्या, बड़ी बड़ी बड़ी, ये है बड़ी, है परी को बहुत पसंद है गांव की बड़ी। पर ये आ गया यहाँ पे नींबू, एक ही नींबू है गाइस, कम से कम परी का मन रखने के लिए नानी एक नींबू तो ले आई, माल्टा है और बहुत सारे माल्टा जो है मेरे फेवरेट, ये देखो ये तो अपने बोरी भर के माल्टा है, माल्टा माल्टा, एक एक बोरी भर के लाना नानी, एक पूरी थैली भर के नानी हमारे लिए माल्टा लाई है, काफी अच्छा लग रहा है, अब रोज हम लोग दोपहर बैठ के खाएंगे माल्टा। तो इधर ही जो जो सामान था गांव का आया हुआ वो सब मैंने आपको दिखा दिया है, और एक एक करके सारा बता भी दिया है कि क्या क्या आया था। तो आप लोग अब देखते जाओ इनकी क्या क्या डिश बनती रहेंगी रोज़ाना, और साथ ही रोज़ाना ब्लॉग बनी रहे तो आपको वो सब भी मिल जाएगा। और अभी मम्मा साफ करेंगी हरी साग, ये देखिए आज कन्नू दी और कूदी आए हैं, ये देखिए अभी कन्नू दीदी और कूह दीदी खाना खा रहे हैं। बताओ बताओ क्या होता है, मुझे नहीं पता बताओ क्या होता है। हरी साग होती है, एक तरह से पहाड़ी वो होता है उसका बताया। सो फ्रेंड्स इस व्लॉग को अब मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, होप आपको इस व्लॉग में मज़ा आएगा, मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब से रोज़ाना हमारे मिनी व्लॉग्स भी डरते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को या तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कीप वॉचिंग स्वीट सिस्टर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।